गुजरात के ऊना में रामनवमी के मौके पर भड़काऊ भाषण देकर सुर्खियों में आई सोशल एक्टिविस्ट काजल हिंदुस्तानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि रामनवमी पर काजल हिंदुस्तानी ने नफरत भरी बातें कही थी, जिसकी वजह से 1 अप्रैल को ऊना शहर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। मामले में पुलिस ने काजल के खिलाफ केस दर्ज किया था, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुई थी। जानकारी के मुताबिक काजल हिंदुस्तानी ने गुजरात के ऊना में पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि काजल हिंदुस्तानी अपने ट्विटर अकाउंट पर अपने बायो में कहती है कि वह एक सोशल एक्टिविस्ट, देशभक्त और राष्ट्रवादी महिला है। सोशल मीडिया पर काजल के 92,000 फॉलोवर्स है। कथित तौर पर 30 मार्च को रामनवमी पर पीएसपी के द्वारा आयोजित एक सभा में काजल हिंदुस्तानी ने भड़काऊ भाषण दिया। इसके बाद 2 अप्रैल को पुलिस ने काजल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295(a) के तहत केस दर्ज कर लिया। आरोप है कि काजल के भाषण के बाद वहां पर दंगे फैल गए थे। इसके बाद यह मामला दर्ज किया गया और हिंसा के फैलाने के आरोप में 80 से अधिक लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है।